हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक हैं। तो आज की वीडियो जो है बेसिकली सॉन्ग है अभी मुझमे कहीं बाकी थोड़ी सी जिंदगी, बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग है अग्निपथ का। मैंने रिसेंटली उसको प्ले भी किया था इंस्ट्रूमेंटल, तो आज मैं उसकी कॉर्ड सिखाऊंगा कि कॉर्ड्स किस तरीके से प्ले करने हैं। तो मेरे साथ रहेगा, डोंट गो एनीवेयर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, थैंक यू। तो जल्दी से इसके कॉर्ड्स देख लेते हैं। तो कॉर्ड्स देखने के लिए सबसे पहले आज जो हम की में प्ले कर रहे हैं वो है सी शार्प मेजर, सी शार्प, फिर उसके बाद ना 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 ना, ठीक है। तो सी शार्प, फिर जी शार्प ना मुझ में, जी शार्प पे मुझ में, अभी मुझ में कहीं, मतलब सीशा जी शार्प सीशा, फिर आ जाएगा सी शार्प एफ शार्प जी शार्प। अब मजेदार कॉर्ड्स आने वाले हैं, मतलब आपने लगाने ए शार्प माइनर एफ मेजर, ठीक है। फिर आ जाए सेम मेलोडी प्ले होगी, ना ना सी शार्प जी शार्प सी शार्प, ना ना सी शार्प एफ शार्प जी शार्प ए शार्प माइनर देन एफ शार्प मेजर, ठीक है। ये हो गई सेम मेलोडी, दो लाइंस कवर कर ली। अब आगे की लाइन पे चलते हैं। पहली मेलोडी आपने देख ली है, अब हम दूसरी मेलोडी देखते हैं जो है ना 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 ना, तो वो कैसे होगी आपने प्ले करना है, ना 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 एफ शार्प सी शार्प से लेंगे, ना 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 एफ शार्प, ना 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 जी शार्प, ना 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 ना। अब ये आ गया हमारा डी शार्प, ना 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 एफ शार्प, फिर जी शार्प, ठीक है, यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर से देख लें, अब मेरे साथ प्ले करें, ना 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 डी शार्प, ना 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 एफ शार्प, फिर जी शार्प, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकंड मेलोडी। अब आएगी ना 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 ना, अब ये ए शार्प माइनर, ठीक है, ए शार्प माइनर, फिर जी शार्प मेजर, ना 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 एफ शार्प, ना 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 एफ एफ, ठीक है, ए शार्प के बाद एफ, ठीक है। तो सिंपल ए शार्प माइनर जी शार्प मेजर, ना 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 ए शार्प ए शार्प ए शार्प जी शार्प, ए शार्प ए शार्प माइनर जी शार्प मेजर एफ मेजर जी शार्प, फिर ए शार्प माइनर एफ मेजर एफ मेजर सॉरी, फिर उसके बाद सेम ए शार्प ए शार्प जी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर जी शार्प मेजर एफ शार्प मेजर जी शार्प मेजर सी शार्प, ठीक है। फिर वापस सी पे आ जाएंगे, ठीक है, मर जाऊं या जी लूं जरा, इस तरीके से। तो पहले क्या था, ए शार्प माइनर जी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर जी शार्प मेजर एफ शार्प मेजर जी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर एफ मेजर, ए शार्प माइनर जी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर जी शार्प मेजर एफ शार्प मेजर जी शार्प मेजर सी शार्प मेजर, ठीक है। अब यह हो गई आपकी
तीसरी लाइन भी। अब चलते हैं चौथी लाइन की तरफ। अच्छा जी, अब चौथी मेलोडी जो है वो स्टैंजा की, अब वो इस तरीके से ना 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 ना, बी मेजर, ठीक है, सी शा मेजर, बी मेजर, सी शा मेजर। अब यहाँ आएगा ट्विस्ट जब लगाएंगे ए शा माइनर, ना 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 ना, फिर एफ मेजर, सी शा मेजर, फिर यहाँ आएगा एफ, एफ शार्प, जी शार्प, सी शार्प, बी मेजर, सी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, एफ मेजर, सी शार्प मेजर। अब आगे की लाइन क्या है, सी शार्प, डी शार्प, डी शार्प मेजर, जी शार्प मेजर, फिर वापस सी शार्प मेजर, ठीक है, थोड़ा सा ही इंटरवल, ना 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 ना, ना सी शार्प मेजर, डी ए, डी शार्प मेजर, डी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर, सी शार्प मेजर, ठीक है। अब देख लें इसको एक दो, फिर मैं बता दूं, कुछ ऐसा, ये वाली जो लाइन है, कुछ ऐसा ही अब महसूस मुझको हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, सी शार्प, फिर ए शार्प, डी शार्प, ठीक है, सी शार्प, डी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प मेजर, सी शार्प मेजर, सी शार्प मेजर, डी शार्प मेजर, डी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर, सी शार्प मेजर, फिर वही पुरानी वाली आ जाएगी, ए शार्प माइनर, एफ शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, जी शार्प मेजर, फिर आ जाएगा डी शार्प मेजर, डी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर, जी शार्प मेजर, फिर वही लाइन, ए शार्प माइनर, जी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, जी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर, जी शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, एफ मेजर, फिर यही सेम रिपीट होगा, ना 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 A sharp minor, G sharp major, F sharp major, G sharp major, C sharp major। पूरा सॉन्ग इसी तरीके से चलेगा, और अब मैं आपको इसकी स्ट्रमिंग पैटर्न बताता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे सी शार्प मेजर पकड़ के कि हमने किस तरीके से इसकी आर्पेजियोस प्ले करने, इसी तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, फिर से देखें, ठीक है, आपने प्ले करना, ये इजी नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल है जो लेसन है, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। और आजकल तो जो यंगस्टर्स हैं वो हमारे से तो बहुत अच्छे हैं, इतनी जल्दी याद करते हैं कि मैंने देखा है कि बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं और बहुत अच्छा प्ले करते हैं। तो अगर आप लोग यंग गिटारिस्ट हैं तो आपके लिए तो बहुत ईजी है। चलें फिर से देखें, सी शार्प पकड़ा पूरा बार कॉर्ड में, और आपने ए से स्टार्ट करना, ठीक है, पिक को आपने ए पे रखा, देखें ये मैंने ए पे रखा, अब ये मैं एक एक नीचे लेके जाऊंगा, ये आना चाहिए आपका, ठीक है, ये जो मैंने प्ले किया था लास्ट में, इस तरीके से आपका आना चाहिए, ये जी शार्प और फिर सी शार्प, जी शार्प, सी शार्प, ठीक है, ये
हाफ ऑफ में दे, ए शार्प माइनर एफ मेजर, ठीक है। अच्छा स्ट्रमिंग में आपको एक दो फिर बता देता हूँ कि किस तरीके से करने हैं। डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन। अब इसको प्ले करते हैं। ना सॉन्ग आपका कंप्लीट हो गया। मैंने जो प्ले किया उसके साथ प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, उससे होगा ये कि जो मैं प्ले कर रहा हूँ आप साथ अगर प्ले करेंगे तो आपका जो है ना हाथ पक्का हो जाएगा। और ये एक तरीके की प्रैक्टिस थी जिसके साथ आप करेंगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा खैर ये आज का लेसन था। इसमें एक जो चीज़ मैं आपको एड ऑन कराना चाहता, तो ये है इंट्रो इसका। अब ये प्ले कैसे होगा, सबसे पहले आपने जो ये सी शार्प मेजर है इसके डी स्ट्रिंग का पे आपने रखनी है अपनी रिंग फिंगर और नीचे पिंकी इसके जी स्ट्रिंग के 1 2 3 4 5 6 फ्रेट। तो ये 6 फ्रेट पे दोनों ऐसे आ जाएंगी और फिर आपने रखनी है और आपने ये दोनों पकड़नी है, ठीक है। तो ये बजेगा ना ना ना, मतलब आपने डी जी ई प्ले करनी है और उसके बाद फिर आपने बी स्ट्रिंग का 7 फ्रेट प्ले करना है पिंकी से, फिर उसके साथ आपने 6 और फिर वापस आपने आपने प्ले कर देना है सी शार्प वापस अपनी रिंग फिंगर से। तो ये इस तरीके से बन जाएगा डी स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग हाई ई
फिर बी, फिर मतलब बी स्ट्रिंग का सेवन सिक्स और फिर जी स्ट्रिंग का सिक्स फ्रेट इस पे एंड हो जाएगा, तो ये पूरा ऐसे बजेगा। अब कोई भी सिंगर अगर सिंग कर रहा हो तो आप इजीली उसको जो है इस तरीके से क्यू दें, अभी शुरू में ऐसे स्लो स्लो प्ले करें, मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना, जिंदा हूं मैं तो अभी, कुछ ऐसी गगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब यहाँ से स्ट्रमिंग आ जाए, ना 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 इस तरीके से आप प्ले करें, उम्मीद है आपका अच्छा होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, आपकी तारीफ भी होगी और आपको लोग जो है अप्रिशिएट भी करेंगे कि यार नहीं बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, सिंगर तो अच्छे होंगे ही, लेकिन जब आप सिंगर को इस तरीके का कंफर्ट देंगे प्लेइंग के साथ तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा और आप भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं है तो उसकी वजह से बस थोड़ा डाउन हूँ, तो मेरे लिए दुआ करें और अपना भी बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।